लदा एक्सप्रेस चैनल एंतंग अमारस बेंगमा मोहम्मद मुसा गैरसी लदा खरावार युलिस काउंसिल करगिल इलेक्शन नियोरतीन री शेडयूल सोंजेनंग चना देरसिक फेस सोंग चामसे काउंसलर लबिंगचे जिन न चामसे कैंडिडेट देर बीनय उत न गतो ख्विन शख्सना गत्सो गे फ्रलक्स लस पर गशे जेंदी लोगायनुक کونسلر ردان اریاپنا کونسل پګڅوښي بشيډول بروشین د میګنا یانتی دونلا یان دیبیټ ډیسکشن چوکره محمد موسی یان سرچي ګنټاناس کا ټوک چنوت میژونا سلام په خدمت مچن سوشیک ډیرنسي پروګرام پنو فیسپر دون پو غلام محمد خان سر ایجوکیشنل یعنی خاص په یوکسینا ایجوکیشنل بیکګراوند یاننا شسی खसबे देना दिनाना चोल्ल नसपारसी अहमद अली इंजीनियर अहमद अली सर एगरकल्चर फील्ड यु खबी यनी सग सग लोमप यान चोल्लह सुपारसी अति डुनपो युशस फयाज अली सर आर्कटैक्क जुगस करगिल यानी आर गला आर्टेक्चर जुक्सी ना लेगी सना फिसा देरी से पेनेल डिस्कशसन पुर जब तोम्त पुदेनायुद् नीगा गा कौनसीलर शिक्क एल योंग डि अलदने यो नो तो। याद डिपर्टमेंट यानु गुस्सि गुरजना यरगसों में मनचुखें सामजोन यांतिदनु लेपचुगे एल एलएचडीसी इलेक्शन नजुम से गोमेकना यंतासुम का लदा एक्सप्रेस यानोर गुस्सवेट दिर्गना ओला मोहम्मद खान सर यरीकेट फिफ्थ एल एच डी सी एलेक्शन पो हम सबसे पहले अब कि हमारी कती करगिलों पर बहुत बहुत मुबारक इन क्योंकि एल एच डी सी फोर जो है हमारा कम्प्लीट हुआ आज एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो है गाती कम्प्लीट यार गला लजब से सुसोदी का चंगा तंगा तनकबे जितना हो सके घोस खुन तिर गला आ, मेहनत ने हम वो गती दी कौंसल पोस्टोस बाकी हम नती देर सी यूँ फिफ्टी उम्मीद जगने चे मना ना गतंगा गति कौंसल पो ना गा दे सब छो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जितना हम सोच रहे हैं दिए साहब पे जैसे कि हम पार्लियामेंट जरबान स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बली जरबान दो चक्स में चे जबना गति दी कौंसल पो खुरा जो एक डेवलपमेंटल कौंसल ایک ڈوپلمنٹل ورڈز پونتا دی فیر بسن کہ نتی تر کی پ غتن غچو غتن سلف سفیشینٹ غتن غچو خود مختار چت دی مقصد غتن کونسل پ دان سین باقی غتن دی نو پارلیمنٹ زربان لیجسلیٹو اسمبلی زربان یا نو غتن قانون د مت دی غتن قانون چوی غتی شگی چاغ اختیارات چ مت ملکی غتن دی سب چیز گورنمنٹ اس غتن دو سب چیز تنظیم کی غتس غتن غتن باقی دنیائی

अह शुक्रिया अमसा साहब अम सबसे पहला ngs min saka am mubarakbadiz hai jo gati daksa 50 and jo council ka election ho raha hai election chetam chana di fanga saka mubarakbadiz hai der gap na जो द खसक पजाम च ला सोंग से नंग सोंग से दंग देफिया चामचिक मिसाल के नति कन्सलर उनिस दंग सपलास बसे दंग या दक्स नति इसी निज लास बसे दंग दोन काफी दक्स सारे संगमोल्स की काफी गलर गलर लास दरांग सप बस और नतांग एक चैलेंजिंग जगह चयोत पे वजह से का जु एक दुचो प्लेटफार्म चिन गंग नतस नतांग बाकी देन द कंपैरिजन बराबर खूमी दे प्लेटफार्म चेंज रतांग छाना दरांग सपस कने एग्रीकल्चर अगर फील्ड का कहता हूँ तो एग्रीकल्चर फील्ड पर माशा यूटीओ से थी काफी लास दखा नहीं काफ़ी लस पा चाहे डिपार्टमेंट हो या कौंसिल हो हुआ है लेकिन आ, कुछ चीज़ें दौरान बार गोशगा निकाता लस फर्दर नहीं। नहीं। बार गो छाना देंग ना एरिया एक्सटेंशन अगर का दफ्तान कहता हूँ लद्दाख एरिया अगर जी लस ली जी सबसे पहले मुझा साहब यहाँ मुबारक बात चैनल पर काफ़ी गलत कवरेज होंगे इनको सब्सक्राइबर्स भी अभी काफ़ी होंगे तो ही नहीं कि इलेक्शन मतलब हर साल गस उम्मीद हो यूथ आए आगे आए और अच्छे से काम कर पाए लेकिन उतना सक्सेट छा मैं फिर भी गाती खुशी की बात है किता की पार्टिसपेशन मामू तो थी वो ज़रूरी भी है गाते सपोर्ट बात हम भी खुद भी पिछली बार भी जब हुआ था तो यूथ को ही सपोर्ट किया था दरअसल यूथ का सपोर्ट पचासपुक गले गिन पाया मतलब क्योंकि हर लीडर हर जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है चाहे छिवीन चाहे सुन okay. चाहे कहीं से भी आता है उसके मना वोट लेटर भी वोट फॉर चेंज मगर okay. okay. चेंज छ न का तो चेंज रोशा दुख पाया उस तरह से यूथ को भी आना है, जरूरी, okay. है, दिएकुण 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 जरूरी है तो साम सिक दरंग एजुकेशनल लाइन सिर्फ एजुकेशन ही मसला सब कौ, कौ, कौंसल नेकल क्योंकि कौंस, एजुकेशन गति कौंसल पसंद जितने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है खोगी तरफ ना मिनिस्ट्री तरफ ना यमखानी सिक्किम पो करिकुलम पो चाहे वो एनसीआर का हो बाकी आपकी सी बी एस ई जहाँ पर भी जितने भी कॉरेकुलम है वो नेशन वाइड चल देखल रहा देखल है बट नती कौसल इख्तियारत पो कि दोन लाख गसुक एक बसे मीसू गई बसेंट बुक इम्प्लीमेंट बुक बना इंफ्रास्ट्रक्चर पो कौत इंफ्रास्ट्रक्चर पो नाती कौंसिल कौंसल अख्तियारती का हर जगह उदमो बसे क्लास रूम छोचा ताकि नतंग जो है

टीचर ट्रेन टीचर्स बाकी पहले इस्लान टीचर यूथ पिन वो इतना एजुकेटेड नहीं होता था गाँ पहला और छुपा जरबा चुंगस पिन देर रही अपना ग्रेजुएट हो दर घना रही अपना पोस्ट ग्रेजुएट हो देना बी एड जो है वो कंपलसरी हो गया देखा पे क्या बी एड टीचर एक ट्रेन टीचर जो है माशा हमारे सोसाइटी में हमारे कैरगुल में आ रहा है दे फा ज़बान दे टीचर उन गला टीचर जो है ग्याला जगह का पोस्ट बचा पोस्ट उनको उनला जगह पहुँचा गा गुखों जरूरत दो दोनों सिर्फ उन्होंने पढ़ा है डिग्री लिया है वो जरूरी नहीं है टाइम टाइम का ट्रेनिंग एक्सपोजर अपडेट बचा या वो एक ट्रेनिंग जो है चल भी रहा है वो हमारा डाइट के थ्रू जो है यहाँ पे प्रोग्राम एक्सचेंज हो रहा है टीचर यहाँ से उधर जा रहा है वहां से आ रहा है ये एक चीज जरूरी दो दूसरा जो है वो आपकी काउंसिल के हाथ में ये है कि ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि कुछ जगह हैं हम सिर्फ सिटी की बात नहीं कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे जगह हैं गांधी सुन सुनला देानो मना पाँच पाँच दस दस पंद्रह पंद्रह किलोमीटर जगह का हाई स्कूल जो हाई सकेंडरी हो देफिया या ट्रांसपोर्टेशन इंतज़ाम बचाओ कौंसल जमीन दो नम्बो यम्बो दियो इन्हीं तरफ ना कौंसल लाइन एक सजेशन चाहें रिक्वेस्ट चाहिए कि हर लेवल पे चाहे वो गांव लेवल पर या कोई क्लस्टर ऑफ विलेज हो वहाँ पे एक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सेटअप बचा क्योंकि वहाँ से उनको इंफॉर्मेशन मिले आजकल जो है ना मतंगा माह गति जो ट्रेडिशन सबको शबों से मिलता था वो अब ख़त्म हो गया अब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का दौर आ गया तो इसी लिए उनको ले कर वो इंफॉर्मेशन जो है जहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में एक इंफॉर्मेशन हो ऑफिसर होता है वो जो है गाँव लेवल पर वो एक इंफॉमेशन प्रोवाइड कर सकता है उन आ, बच्चों को चाहे वो स्कूल में भी हो कि आप जो है आज फलानी जो ऐप आया हुआ है उस ऐप के थ्रू आप ये काम कर सकते हो इससे आपका जो काम जो होगा वो बहुत आसान आसान हो, होगा क्यों वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है इंसान से ज़्यादा जो है वो नहीं। नहीं। इंसान जो एक दिन में कर लेता है वो कम से कम दो की तीन मिनट में पूरा वो काम कर लेता है ऐसे चीज़ों से हमें जो है अवेयर करना है और एजुकेशन में अब तक जो है हमारा जो एनईपी जो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी टू जो है वो अभी जो है देश में आया हुआ है तो हमारे इतनी इफेक्टिव तरीके से जो है हम लद्दाख तो नहीं पूरा इंडिया में भी अभी प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका है तो इसीलिए उनको भी अगर इम्प्लीमेंट करे उसी के हिसाब से सिर्फ हमारे जो है जो हमारे एकेडमी के उसको फोकस ना करते हुए कुछ स्किल डेवलपमेंट जिसमें वोकेशनल कोर्स हो ताकि जो बच्चों का जो है उससे एकदम जॉब भी जनरेट हो तो कि बच्चे, बंदे जो है ना आप सिर्फ पढ़ने के बाद जो है आज हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जो आज पाँच साल हमारा कंप्लीट हो रहा है कहीं पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये पाँच साल जो है लोगों का चले गए कहीं पे भी उनको जॉब नहीं मिला क्योंकि इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपना एकेडमिक पढ़ा हुआ था कोई प्रोफेशनल था इतने लोग जो है वो सिर्फ डिपेंड थे कि कहीं पे गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो हम अपना फॉर्म भर दे और हम वहाँ पे जॉब मिल जाए उनके दिमाग में ये नहीं था कि हमें जो इस हालात में पूछेंगे और हमें कहीं पे जो हम एलिजिबल ही नहीं होंगे आजकल जो पोस्टें आते हैं वहाँ पे आपका अलग अलग उनका प्रोफेशनल कोर्स या उनकी डिप्लोमा कोर्स या कोई स्किल पूछे जाते हैं और जो बंदों ने पी किया पोस्ट ग्रेजुएट किया है वो लोग वहाँ पर एलिजिबल नहीं होता तो कौन सा

ये यह ड्यूज यूजर बना कि ngata अभी तक ngata मैनिफेस्टो सिर्फ काउंसलर ही था बिल्कुल काउंसलर जो है ना काउंसलर के बाद इतना बड़ा अधिकारत नहीं होता है देखे। जिस लेवल के वो मैनिफेस्टो निकाले दी मैनिफेस्टो एंड क्योंकि वो ngaz इस काउंसलर की जिस तक अपना खुदू दे खोखली ताकत पर दो सखपात की ng infrastructure चीजों ng में फलानी जगह पे स्कूल मै मतलब डिजिटल लेप चौक या वहाँ पे वही तक उसका है मगर पूरा एजुकेशन को चेंज करने के लिए पूरा हर चीज़ को मैं सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को बड़े लेवल पे चेंज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मैनिफेस्टो ज़रूरी होता है जैसे कि आप बिल्कुल जैसे कि आप किसी स्टेट में जब इलेक्शन होता है उस इलेक्शन के टाइम में पार्टी ही मैनिफेस्टो स्टेट का पेश कर लेते हैं हमारे करगिल में नहीं अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पार्टी एक दूसरे को ये बोल रहा था कि आज मैंने इस, इस पार्टी को ख़त्म करना है और इस पार्टी को ख़त्म करना है हमारा ख़त्म करने का नहीं है वो ख़त्म अपने पार्टी के लेवल को फायदा दूसरा पार्टी ख़त्म हो गया तो उस पार्टी को फायदा हो गया बट अवाम को क्या फ़ायदा है अवाम को मैंने कहीं नहीं देखा क्योंकि इलेक्शन होने वाला था हमें जो नोटिफिकेशन आया वो छः तारीख को आया वो इलेक्शन जो है हमारे दस तारीख को था दस तारीख को इलेक्शन था चार दिन तक कोई मैनिफेस्टो नहीं था ये अनफॉर्चुनेट बात है हमारे पूरे करगिल के लोगों के लिए क्योंकि उनकी जो बड़े बड़े लीडर जो है अपने लिए वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं किसी ने किसी जगह पे उन्होंने बोला आज भारतीय जनता पार्टी का करगिल हिल काउंसिल का मैनिफेस्टो है नहीं देखा हम लोगों ने कहीं पे ये उनको पेश करना चाहिए कि अगर जो भी पार्टी जो है इस काउंसिल को चलाएगा एल से फिफ्थ को चलाएगा तो उसमें ये बोल्ड फाइव मेन मैनीफेस्टो रहेगा एजुकेशन में ये सुधार होगा एग्रीकल्चर में ये होगा हेल्थ में ये होगा सबसे जो मेन है कौंसल में आप लोग मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि ये कोई एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है ये एक डेवलपमेंटल बॉडी है ये एक हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए और जो भी होगा उन सबों का जो एसेंस होगा वो करगिल को सेल्फ सफिशिएंट बना बिल्कुल वाला बात बिल्कुल। जो है, है खचन चरसंग पार्टी लेवल का मैनीफेस्टो फिंगचन स्टूडेंट यानी गिन लिंगसंग छः गिनना खक्ष गा पार्टी गिनने का तो दरों नेशनल लेवल की पार्टी हुई रीजनल पार्टी हुई manifesto fingsi mi mima ola stand margo shazin gaga development bu bachin gacogha bachazin ziray. Chana Ahmad sahab, faizazan gati sakiyati lung piyan zirna gato, dare uti yong zirna ilti gata thoma chaydi, azirba chaydi, farn bu, kemiti gyanu kisgayt ziray. Chana agriculture-y, faizazan sakiyati lung piyanu no, camsagi ergyas na goyari yong zin, yang dare gaga lasun ba mayanme donika shittan se lazbayanchi. एग्रीकल्चर या अगर स्कोर लगा नौ मत पूरा यूटी लद्दाख ही अगर यहाँ एरिया गा एरिया के तो एग्रीकल्चरिस्ट जर नौ दैन मत जीरो पॉइंट फोर परसेंट एरिए मैंने अत्य मन द बद मबायन मनॉटिका ना ये पूरा एरिए जीरो पॉइंट फोर मतलब एक पर्सन का मबायन दी धंदे कंटेक्सान यू मी मत कतो हुत कहू को एग्रिकल्चर सबसे पहला अगर प्रियॉरिटी ने कतो एरिया एक्सटेंशन गाव नाते गा जगह के आबाद दे नगह आबाद बे कोशिश बचा आबाद मैंने चे चिंजन प्रोडक्शन पर बढ़िया होनी प्रोडक्शन को ठीक करते हुए मैंने मी इन्वॉल्वमेंट पर ज्यादा है चिन जान चिन मी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा छाने तो देखा जॉब जनरेट चिन जॉब जनरेट छाने मत फर्दर सिस्टम गवलों और एग्रीकल्चर के चीज तो मान लो एरिया एक्सटेंशन का का तो बने तो एरिया एक्सटेंशन हो गया अपना सेकंड प्रोसेस होचिन कि देर के अपना अगर एक्सटेंड बस जो प्रोड्यूस आते हैं दे प्रोड्यूस जी बची जो ना फूड प्रोसेसिंग होचिन जो है देर के अपना चाह फूड प्रोसेसिंग दोनों के तो जब मैनीफेस्टो तो कर जिसमें माचस सबसे पहला तो एरिया एक्सटेंड करेंगे एरिया एक्सटेंड बस ना उस जो प्रोड्यूस आएंगे दे प्रोड्यूस प्रोडस गो मतलब एक इफेक्टिव तरीके का मतलब मी सक पा एक वैल्यू एडिट प्रोडक्ट जो है देखना लद्दाख सबसे सबसे चैलेंज सबसे चैलेंज ज्यादा मार्केटिंग चैलेंज चाहे बना ता बिल्कुल गंदा सब्जी मैंने नीचा मैं जो सब्जी जो भी है समर एंगा था बल एक साथ मैंने प्रोडक्शन आता है जैसे मैं गाती फार्मर बहुत एफिशिएंट है उसी जीरो पॉइंट फोर परसेंट से भी अच्छा खासा प्रोडक्शन देते है सेवेंटी फाइव परसेंट पाती इंपोर्ट इन बाकी पच्चीस परसेंट पोगा सेल्फ सफिशेंट सोंक मतलब प्रोड्यूस बस है मतलब दिग्ती आम पब्लिक हेल्प छा ना उसमें एक चीज़ देखा मार्केटिंग इशू है मार्केटिंग पोचो बचिन मार्केट चैलेंज दो मैनीफेस्टोक दू मतों की मतलब मत दो एंट्रप्रेनर्स का तो खड़ा हो जिसमें दो प्रोसेस ति तक चूल्ही जा पता है घाती नॉर्मल गाती नॉर्मल चूल्ही गात फटिंग वटिंग चुदिया बाकी दोन गाँव में ठीक ठाक सेल लेकिन ये दांस सब कभी शायद सौर दुख तैयार में चुड़ी गाँव में अति वेस्टेज खंडे चूड़ी मतलब ज्यादा दूध जो कि खेरे युरबा नहीं खेर खुची नहीं खुचे अपा फिंस है बाक़ी पल बहा देते पानी के साथ छा दो गाते फर्दर प्रोसेस बसे जैन जूस बनाएस फैक्ट्रीज गए स्टेब्लिश बच्चन लदाख सर्विस बाहर चेज बना गाता या चीची हमेशा सोचा तो घड़ी लदाखड़ी नो यहाँ इनपुट्स कहाँ सोचिन आउटपुट यहाँ से खाली जाता है इसका मतलब दी कौम डिग्रेट सोचन जो है दरंग सबसा एस एच जीज रहे या बाकी चीज़ अच्छा ना गाते आम गाती है इनकम मन जबरदस्त इनकम जो जी एक अगर एस एच जी तीन चार लाख रुपये कमाई बना जबरदस्त जबकि ज़बरदस्त मैन ठीक बस कहता ना कहता पर एसएचजीस कम से कम महीने अगर 20000 पर दिन ये हिसाब के देन मेंबर ये हिसाब के तो छन गाता 12 13 लाख इनकम मोशन जबकि आता 3 3 लाख 4 लाख को हम सक्सेसफुल मानते हैं छन दुनिया के लाज भी मतलब आता जरूरत और प्लस द खसा पता चुडी जिसमें से हमें वेस्टेज जो हो रहे और तुम आता जिंग थमास तंस के मार्जिन तंस के चुडी गाता पोस्ट तंस में आता चलाज छा न यूँ में मतलब कौन सा ना प्लान करते जिसमें आते ऑर्चर्ड डेवलपमेंट जो बाहर उन बहुत अच्छा चलता है ऑर्चर्ड यार इंसेंटिव दे दो यार मतलब सिर्फ जाली तंग से बल्कि खो ऑर्शेड डेवलप बच्चन खो मेटेरियल मतलब एक स्टैंडर्ड मटेरियल खो गचो ताँचिन और देखना दे मटेरियल मेटेरियल अगर प्रोड्यूस तो प्रोड्यूस गचो मार्केटिंग बची दे सकते पाँच साल यार शायद जी प्लान पर पूरा हो चीन छा न सिर्फ ना

उसमें से जैसे कि नर्सरीज जो है फिर आता तो बाकी सेवेंटी फाइव परसेंटता हूँ नर्सरीज का तो ग्रेड का तो क्वालिटी नर्सरी और एक विंटर सस्टेंस हो तीन चार विंटर का तो से मैंने एक नर्सरी तैयार था ना माता कंफर्म की जो जना देना एनवॉर्मेंट पेटेंसन पो छा ना जो एक बिल्कुल एक पॉजिटिव सस्टेनेबल इकोनॉमी जब दे तरफ लचिंग कोशिश कोशिश बचा जो कोशिश जो एक साइकिल बने फर्स्ट ये है तो सेकंड ये थर्ड ये तीसरा दिखे दिख रहा सोचें और ये

मैंने डिजाइनस पेरा तु दरे ये डिजाइन उन मलसा गच्च थोन ग्यू सी एनो फील छुक् दि डिजाइन पता मन लोकेटी नाता फील छे गाती इन नाती नपाद निधि थोनो जरिए दौंतान दरेंपार्टमेंट उन मलसा मामा ये तानू फिसतन डिजाइन उन मन मामा खेस थोन गार्नवास पे मन दुम थोद फी मसला इनना या सबेर योजे मामा थोबेता से नाती लोकल ला एलएचडीसीस

हर फील्ड में इन्वाल्व हो जाता है अभी गुलाम साहब ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए जिसमें हमारा डायरेक्ट लिंक आता है कि स्कूल्स बनने चाहिए या लाइब्रेरीज बनने चाहिए उन सब में एक आर्किटेक्ट का रोल होता है तो अगर एल में हम कनेक्शन में बात करें तो फ्यूचर में फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बना लिए प्रोग्राम्स बनाए कि अभी तो जो हो गया वो हो गया जितने बिल्डिंग्स बने बाहर से बने या जिसने भी बनाए हो गया बट फ्यूचर में अगर जो भी बिल्डिंग्स बनाएंगे उनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एक लोकल टच हो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हो और एक लोकल बंदा उसको हैंडल करे यानी कि उसको भी आउटसोर्स कर दे जिस तरह से अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा यूटी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने आर्किटेक्ट्स को इम्पेनल किया है ना जाना तो ले से उन्होंने छह आर्किटेक्ट्स को इम्पेनल किया है जिसमें से चार ले के और दो बाहर के हैं अब इसमें भी एक उन्होंने चालाकी किया है कि आर्किटेक्ट्स ने कि उन्होंने ले में ही ऑफिस खोल दिया है बाहर के आर्किटेक्ट्स ने तो उनको एज एन अपॉर्चुनिटी उनको मिल गया कि उनको बाहर का आर्किटेक्ट्स भी वहाँ काम करने लगेंगे और हमें तो इग्नोर ही कर दिया है पूरा कारगिल के आर्किटेक्ट्स को तो उन्होंने रखा ही नहीं है लिस्ट में तो ये चीज़ अगर होगा तो फिर काम कहाँ से करेंगे हम आप ये बताइए ना तो हमारा कहना ये है कि अगर लोकल्स का इन्वयमेंट सीरियसली करना है तो उसको सीरियसली एक स्टेप लेना चाहिए जैसे कि रिसेंटली उससे पहले हमें स्मार्ट सिटी के मीटिंग्स में पहले एक मीटिंग में बुलाया हमें तो हमने उनमें वहाँ जा हमने बोला कि पहले भी स्मार्ट सिटी का या उन सर्वे हुए थे टाउन प्लानिंग का <coughs> या मास्टर प्लान बनाने का सर्वे हुआ था उनके बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ा सा उसके बाद हमें तो बुलाया ही नहीं उस मीटिंग्स में क्योंकि इनको लगता है कि मतलब लोकल से कुछ मतलब ख़तरा सा है हमें उनको ऐसा लगता है क्लियर सी बात है क्योंकि जितना भी आप देखेंगे कि अभी अब अजीत साहब ने ज़िक्र किया कि पुराने बिल्डिंग्स बने बाहर से बने बाहर के आर्किटेक्सर ने डिज़ाइन किया वो अच्छे नहीं है आपने खुद बताया वो हर कोई जानता है ये एक ट्रुथ है वो होना ही होना है क्योंकि उस पर कोई गवर्नर वो नहीं रहता है कोई मतलब उसका एश्योरेंस तो नहीं रहता है कि वो बिल्डिंग कैसा बनेगा बाहर से आर्किटेक्ट आया तो बाहर से उसी डिजाइन से ही बनेगा जैसे दिल्ली में बनता है या जम्मू में बनता है तो हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि यहाँ करगिल में जो बिल्डिंग बनेगा या पूरे लद्दाख में जो बिल्डिंग बनेंगे वो लद्दाख के वेदर के हिसाब से बने सस्टेनेबल डिज़ाइन रहे और उसमें हम लोग विंटर्स में भी रह सकें विदाउट मच वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बिजली हीटिंग वीटिंग पे ज़्यादा सौदा पैसे बिल्डिंग ज़्यादा बने तो हम वही चाहते हैं अब एलेक्ट्रिसी की बात करें तो वही मैं फिर से दोहराऊंगा कि इनको ये करना चाहिए कि जो भी आगे बिल्डिंग्स बनेंगे उनसे से कंसल्टेंट्स को हायर करना चाहिए अगर वो क्योंकि एलेक्ट्रिसी में फ़ंड्स भी आज तो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं तो एक कंसल्टेंट हायर करने से कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा क्योंकि कंसल्टन सिर्फ आर्किटेक्चर में नहीं बाकी फील्ड्स में भी वो लोग हायर कर सकते हैं उससे ये होगा कि आगे जाके प्रोग्रेस बढ़ेगा कुछ ढंग की बिल्डिंग्स दिखा पाएंगे हम लोग कुछ ढंग के एग्रीकल्चर फील्ड में हो या एजुकेशन फील्ड में भी हो कुछ कंसल्टन यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली exactly. तो लेकिन जी जी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं। नहीं। पुराने जो काउंसलर्स हैं वो उन्होंने काम भी किया है इस बारे में लोकल्स को हमें अप्रोच किया कुछ ने तो हमें फ़ोन करके ये तक कहा कि आप इस आर्किटेक्चर एलिमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को ताकि प्रिजर्व रहे हमारा आर्किटेक्चर वो वो लोग कंसर्न हैं कुछ लोग लेकिन एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए जो जो मतलब लीगली हो जाए कब किसी के बोलने से वो ज़्यादा चल नहीं पाता है बट एल फुल प्रूफ अगर कोई ऑर्डर निकले जैसे कि एम्पेलमेंट का था हमें पहले के के साथ एम्पेलमेंट किया था उसी वजह से हमें प्रोजेक्ट्स मिलते भी थे आर भी में, में रोड एंड बिल्डिंग्स के डिपार्टमेंट में पी में बट वो अभी इम्पेनल कर दिया है ले वालों को तो हमें वो भी कम मिलने लग जाएंगे वो इशू ये है कि उससे क्या होगा कि बाहर वाले आर्किटेक्ट ज़्यादा आएंगे या करगिल के कोई जो करगिल में डिज़ाइन होगा वो करगिल के ही आर्किटेक्ट्स आने चाहिए क्योंकि ले से भी आर्किटेक्ट्स यहाँ पे कितना आएंगे बन रहे हैं अभी कुछ बिल्डिंग्स ले वाले आर्किटेक्ट्स बना रहे हैं लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं आ पाते यहाँ पर क्योंकि वो इतने बिजी हो जाते हैं कि वो डिस्टेंस का इशू रहता है जिस तरह से यहाँ पर यू का सेंटर नहीं है यहाँ पे वो लोग भी नहीं आ पाते उसी तरह से सब हर फील्ड में वही है वो लोग डिस्टेंस की वजह से काम यहाँ ध्यान कम दे पाते हैं तो हम मेरा कहना ये कि पॉइंट और मास्टर प्लान तैयार छेंदुक या दो क्लोज छेंदुख या मास्टर प्लान लाखों रुपया खर्चा छा यी प्रपोजल स्मार्ट सिटी

काउंसिलर इस पर मैंने पहले यह बताया ना आपको कि स्मार्ट सिटी का एक मीटिंग में हमें बुलाया था बट उसके बाद हमें कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ दिया था बट कभी भी इन्वाइट नहीं किया या बुलाया नहीं, उस नहीं। कि कोई और मीटिंग मीटिंग्स का ही सारे हुए हैं बट प्रोग्रेस नहीं आया वो अलग बात है बट मीटिंग्स हुए हैं और खर्चा तो आप लाखों में बता रहे करोड़ों में हो जाएगा क्योंकि सर्वे ही पहले मास्टर प्लान का बहुत चार पाँच करोड़ का हुआ था जो फर्स्ट मास्टर प्लान में था तो इसी में सारा वेस्ट तो उसी में हो जाता है अगर लोकल से कंसल्ट करेंगे थोड़ा सा तो सजेशन मिलेगा एटलीस्ट कि वो जानते हैं इस एरिया को हर गली को जानते हैं बाजार के अगर बाजार की बात करें तो बाजार में ट्रैफिक कैसा होना चाहिए मास्टर प्लान में हर चीज़ होता है छोटे से छोटी चीज़ छोटे से छोटा बंदा इवन हॉकरस रेडा चलाने वाले हर चीज़ टैक्सीज व बड़े गाड़ियाँ बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हर चीज़ आ जाता है उसमें उन सबको कवर करने के लिए एक कंसल्टन तो होना चाहिए ना वो भी यही एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया हम लोग जो सजेशन देते हैं हम लोग अपना कुछ कभी कोई ऑफिसर खास आ जाता है मिलने के लिए तो हमसे तो हम उनको सजेशन दे देते हैं बस उससे ज़्यादा ऑफिशियली कोई हमने अभी तक कोई अप्रोच नहीं हुआ है हमसे और हमने कोई प्रपोजल भी नहीं दे पाए okay. रखे हैं, हैं हमारे पास प्रपोजल हम लोग हेल्प कर भी सकते हैं okay. वो इशू नहीं है बट क्योंकि इतना पढ़ाई करके आए हैं तो थोड़ा सा okay. तो हमें नॉलेज होगा कि टाउन में किस तरह से होना चाहिए टाउन को खूबसूरत किस तरह से बनाना चाहिए वो तो हमें नॉलेज है और हमारे अलावा भी यहाँ पे टाउन प्लानर्स भी हैं करगिल में दो तीन टाउन प्लानर्स हैं हमने उनका यूनियन भी बनाया हुआ है टाउन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स का चार पांच आर्किटेक्ट्स भी हैं हम सबका यूनियन बना हुआ है लेकिन नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सके हम लोग करते हैं थैंक यू नदी स्पेम लेकिन खर्चा है दरेंगे लोकल आर्किटेक्ट आदि से नाम बाबा इन चुका यू टी एडमिनिस्ट्रेशन जेड़ा एल एच डी सी जेड़ा एप्रोच बन कांसलटेंसी तो खो करना गलर गंगी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम जाओं फैसला टूरिजम टूरिजम स्परतजम फर्स्ट संग ngates gyagar pa khyocha jin na khong ati dena nang khangma historical place ngati dunma si chalagun stancha ya dun sagyo ta chana dunya nang ngata chang gyurche khashi thongme ta chana ngati local architecta thukse khong nam bodia mashwara base dianu glass bana ka tu ngata yo me tu sunen ek lhdc dunya nu plan tang main che zin lhdc dianu concerned ba in Unemployment issue mana goheke uta, ngati tsamsik jawani utna kato dara ngata rozga goshe uta, laske rogo she uta. Chana education sector yano gacoba se laske kihumayanchi uta, first tanga dara ngata Digital India yonsu. Yada tsula ngata dara intraprenary, ngata dara government ishoksuna training chendu gandu.

कम देख ग्रापो कम बेफिया था खसूसा गति करगी हम साहबिस की गति पॉपुलेशन पर से गति अनएम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा नहीं, नहीं पु तेसा चीज ना मैं ना ड्यू कंट्रोल पर माना आसान है गति पॉपुलेशन ही लेवल पे का बाकी इतना गतंग माना बुतमायत कि हम उसको कंट्रोल बजम भाई एंचमित रहे नंग सब से दरे सिर्फ ये पाँच साल ये हिसाब पे का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर मना खीमो सोसत चाहिए जबान्प्लॉमेंट ची के नाते अनएलॉयमेंट दिए दियो कौन बसर बना हम ज़्यादातर एजुकेटेड बच्चे जो है वो अनएम्प्लॉमेंट है उनकी वजह से बाकी हम देखो जैसे कि हमने हमारे पास आ, एक को बोलते हैं हाईली क्वालिफाइड एक होते है स्किल्ड एक होते है सेमी स्किल्ड एक होते है टोटली अनस्किल्ड होता है हम एम्प्लॉयमेंट हर जगह हम इसको हम एम्प्लॉय गिन सकते हैं जैसे नहीं। कि आता मजदूर वो भी एम्प्लॉय है ठीक ही नहीं क्योंकि वो अपना रोजगार कमा लेते हैं और जो भी आपका गाड़ी चलाते हैं बाकी जितने भी वो एक स्किल्ड लेबर में आ जाते हैं कुछ जो तो बहुत ही कम होते हैं उनको सीमी स्किल्ड में कहा जाता है और बाकी जो हमारा मेन अगर देखा जाए तो हमारा रिशो जो है वो क्वालिफाइड लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट अभी इस टाइम ज़्यादा रेट पे चला गया वो इसलिए चला गया क्योंकि नता गाँ न अगर हमारे हज़ार याद दो हज़ार के तो इतना नहीं होंगे चाहे सौ में होंगे पाँच सौ छः सौ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो जितना ग्रेजुएट होता है उस लेवल से उनको कहीं पे आपने एडजस्ट करना है कहीं पे ऑब्जॉर्व होना है वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजेस है तो इसीलिए हम मैं पहले से भी आपको बोल रहा हूँ कि हमारे कौंसल्स कुछ ऐसे स्कीम बनाए जिससे हमारे जो लोग जो है बाकी चीज़ों में इंगेज हो जैसे कि हमारे अहमद साहब ने बोला कि सबसे पहले जो है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए इसमें तीन सेक्टर होता है सर फर्स्ट को प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर आपका जो होता है ना जैसे कि एग्रीकल्चर आ गया सेकेंडरी सेक्टर आपका वो आता है जहाँ पर आपको मैन्यूफेक्चरिंग आ जाता है थर्ड वन जो होता है आपका सर्विस सेक्टर होता है और आज हमारे जो मेन यूथ के जो फोकस होता है वो सीधा डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पर आता है तो इसीलिए जब तक सर्विस सेक्टर तब मिलेगा तब आपका प्राइमरी सेक्टर का मज़बूत होंगे तो, तो इसीलिए हमारे मेन फोकस जो है हमारे पहले प्राइमरी सेक्टर पे देना चाहिए जिससे आपको जितने भी मैंने आपको एक कैटेगरी बताया जो अनस्किल्ड हो गए वो वहाँ पे इंगेज होंगे फिर उसके बाद जो सेमी स्किल्ड जो होगा वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग uh, में होगा और लास्ट वन जो है आपका सर्विस सेक्टर में होगा तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे एग्रीकल्चर को फोकस करने की ज़रूरत है मैंने पहले भी बताया कि जो कौंसल का एसेंस है मकसद जो है वो उनका सेल्फ सफिशेंट है हम किसी एक चीज़ में भी अभी सेल्फ सफिशेंट नहीं हुँ, है इवन कि हम अगर डेयरी प्रोडक्ट में भी अगर हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएगा तो हमारे वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है पोल्ट्री में भी अगर हम सिर्फ सेल्फ़ सफिशेंट हो जाएंगे कि जिले से यहाँ पे एक भी चिकन नहीं आएंगे हम कर सकते हैं इसीलिए ये वाला स्कीम जो है हमें उन पर फोकस करने की ज़रूरत है दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ हम गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ हम डी एस भी तक हम महदूद नहीं, नहीं है लास्ट टाइम हमारे पास एसएससी एस एस सी आया ये एस एस सी जो है हमें हर साल जो अगर देखा जाता है तो पाँच सौ सौ तो ये पाँच छः हज़ार के हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट करता है उस एडवर्टाइजमेंट में हमारे बच्चों को उन लेवल तक जाने के लिए हमारे को काउंसलिंग होने की जरूरत है गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी बाकी कर सकते हाँ काउंसल कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर उन्होंने किया यहाँ तो पे तीन सौ बच्चों को फ्री कोचिंग किया इसी तरह हम यहाँ से भी बच्चों को कोचिंग करके काउंसलिंग करके उन लेवल के भी हमें बच्चों को भी तैयार करना चाहिए और इसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है क्योंकि हमें भी अपने बच्चों को आगे छोड़ना है देखे देखे सिर्फ हम अपने डी एस एस आर बी की बीस तीस चालीस पोस्ट पर हमें यहाँ पर नहीं रखना है देखे देखे और उसके बाद काउंसलिंग के साथ साथ काउंसिल को भी इन स्टेप उठाना चाहिए बाहर से लोग बुलाना चाहिए यहाँ पर उनकी काउंसलिंग हो ताकि हम बहुत सारे मल्टी नेशनल कंपनीज होते हैं यहाँ पर भी बच्चे हमारे पढ़े लिखे होते हैं यहाँ पर भी आप लोग उनको एडजस्ट कर लो यहाँ पे आप उनका जो रिक्रूटमेंट हो जाए या कहीं पे आ जाए तो इनसे लिए हमारे तो तो कर, करना बहुत ज़रूरी तो है, है यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस के लिए फ्री कोचिंग के लिए जो सब्सिडी कंपोनेंट है उसी तरह से हम जो है सिर्फ अपने डी डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हम आगे भी जा सकते हैं ये हमारा है बाकी मैंने पहले बताया दूसरा जो है इस पर पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है जो आप लोग सेल्फ सफिशेंट होके सेल्फ

हमारे लोकल जो है ना इसके लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है अभी आप हमारे फयाज साहब से पूछ रहे थे क्योंकि टाउन प्लानिंग का हो जितने भी होगा फयाज सर को ने अभी खुद बताया कि एक एक गली जानते हैं तो उसने सिर्फ उन्होंने सिर्फ आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है सिर्फ आपने छोटे से पोर्शन को ब्यूटिफाई नहीं करना है आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है तो इसीलिए हमारे जो पीएचडी स्कॉलर है जैसे कि अहमद साहब ने कितना अच्छी तरीके से बताया या ये बाहर के लोग अगर लाएगा तो एक करोड़ तो उस बंदे पे खर्चा करना पड़ेगा रिसर्च के, के लिए उसके एकोमोडेशन के लिए उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हर चीज़ के लिए वो तो रिसर्च पर्पज़ पर आएगा यहाँ से रिसर्च पर्पज़ पर आने के बाद किससे सर्वे करेगा अहमद साहब से मेरे आपसे सर्वे करेगा ना, ना। हमारे लोग जो है ऑलरेडी इन चीजों से अवेयर है लोगों का यहाँ पे भी अगर कौंसल बनने के बाद भी हमारे जो भी एक्सपर्ट होता है हर चीज के फील्ड से उनको एज एडवाइजरी पे आप रख सकते हैं कोई कौंसल का कुछ नहीं होगा इधर एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड अलग रखो कर सकता है ये भी आपकी ये लद्दाख अटानसल एक्ट नाइनटीन नाइनटी फाइव में ऑलरेडी मेन्शन किया हुआ है मिल्कुल, मिल्कुल। वो कर सकते हैं तो उसके हिसाब से आप अलग अलग, अलग बॉडी बिठा सकते हैं उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं छना अहमद साहब नज लनियन अच्छे नमो ने गफोनो ने सगे खन दर खन गति दरअसन अगर तो नाइन्टी परसेंट मंगाती कर गई लन दरंग मील छना खुआ दरंग 틱바세 여게스나 고여나 탐토모메탐 로코르치 사게터게압나 라스트 이어 르군 푸샤르 메니 코 구자라 차모메 차나마 셀프 서피션트 징아 탐토모메 ᱪᱟᱱᱟ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱯᱚᱝᱟᱛᱟᱠᱟ ᱫᱚᱥᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱫᱚᱥᱱᱟᱞ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱤ ᱪᱟᱱᱟ ᱠᱟᱫᱚᱥᱱᱟᱞ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱤ ᱦᱚᱨᱴᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱤᱵᱟᱨᱮᱢ ᱡᱟᱨᱥ ᱪᱟᱱᱟ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱯᱚᱝᱟᱛᱟᱠᱟ ᱫᱚᱥᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱫᱚᱥᱱᱟᱞ ᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱤ ᱦᱚᱨᱴᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ छाना माँ तकरीबा फोर्टी परसेंट चौकी गाँव लगा वन हैक्टेर लेस देन वन हेक्टर खन गाँव मैक्मम मतलब बीस कनाल बस मतखनी आती है फार्मर जो है छाना दे फार्मर्स अगर सिर्फ मिसाल के तौर पर माता कैश क्रॉप से मैन माँ सिर्फ बारले चौशी वीर चौकसी फोटर चौशी का सस्टेनेबिलिटी मैं सस्टेबिलिटी मैन जो है पॉसिबल ना मैन चाहता है ना लजिया एक्सटेंड अभी नहीं हुआ है एरिया एक्सटेंड वैसे पर फार्मर इलावा अगर कह तो तीन सौ कनाल दो सौ कनाल खनि फार्मर उतना कहते वो सफिशंसी सेल्फ सफिशेंट बन सकता है अब जी ना चाहिए जर्बाना दक्सा दिया बिल्कुल मिक्सअप नंगा जैसे कि सारी टाउन प्लानिंग है एजुकेशन है दूंगा गाँव में मिक्सअप बस है एग्रीकल्चर पर बस है कनेक्ट बस एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है अगर कहो तो, जी जिस चीज का तो फिंग नुकशुदा जी, 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 जैसे कि दक्षा आ, मान लो मार्जिनल फार्मर है गाय आर्ट का नाल शिक्षा मैं ना खुद ज़्यादातर परी का बोलता कैश क्रॉपी का फोकस भाग हो सकता जो है कैश क्रॉपी और लद्दाख गति है लद्दाख लेकिन एडवांटेज बिल्कुल यूनिक की जगह गाँव बिल्कुल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रखन चुक मतलब गाती नमी जब नमी कम रतखनी सन इंटेंसिटी निमी छाती इधर ना ज़्यादा उतखनी जगह गाँव बिल्कुल गात गाला चैलेंज है ग्रंग उतखनी जगह ग्रंग मैं एडवांटेज है दी जगह मन गाता सबसे एडवांटेज उतनी जगह गिन जती फिर एक पॉजिटिव पॉइंट पाया छाना पिछले कुछ सालों से अक्सर फ्लोरिकल्चर एक हुआ है छाना पर स्क्वेयर मीटर आपका थाउजेंड रुपीज़ का इकोनॉमी है पर स्क्वायर मीटर अठालस बल्ब पर स्क्वायर मीटर है आपसे और दूसरा दक्सा यारी एक्सपर्टीज़ इन हाइड्रोपोनिक्स नजर है वर्टिकल फार्मिंग गांव सिर्फ सै काम माँ से नहीं सात टाइप मतल लायर चो से उसमें भी कर सकते हैं और जना चीज़ पर अर्बन फार्मिंग दक्षा सब जैसे कि डिजाइन रूफ़ में अर्बन हीट आइलैंड जर एक इशूज़ आता है जहाँ पर कंक्रीट ज़्यादा यूज जाएगा इनका तो रूफ उनके बिल्कुल फार्मिंग करके उसको इको टूरिज्म में आपका नोट कर दो मीनता हूँ चुप कि हाँ कारगिल पर सस्टेंड बैन दो मतंग चैलेंजिंग जगह से चारी एक बढ़िया जगह आपके गांव गांव में टेक्नोलॉजी का प्रमोशन होना चाहिए नहीं दी गा गाँ न दे खिलाफ इनके हमेशा टूरिज्म आप सिर्फ कल्चर को स्तनिया और उस दिख पासमखर मतलब इतना गरीबी इतना फलाने इतना फिस्तान है टूरिज़म ये एफिशंसी स्तनमख्यों की रक्सा मची परमा कल्चर जो परमानेंट एग्रीकल्चर दे एक फार्म आता है दे फार्म इन इनोस प्यंग दे मीस खुरी ही हट जो चा न सुनोचा एकोमोडेशन जगह सुनोचा और एक एक ऑर्गेनिक फार्मिंग जिससे क्यों चादी का प्रोसेसिंग हल्के तो जब वो इसके अंडर इंटर हो जाते हैं पूरा उसको सस्टेनेबिलिटी दिखाई देते हैं देखना खूब महीने की जग से उसको ट्रेन करके उसको एक अच्छा बंदा बना के उसका सेहत बना के खुआ वजह से खुई हेल्थ वजह से ना नहीं लेने खोल वो टूरिज्म होना चाहिए ये गाँव में छा ना कहो आपके गाँव का जो इरगेशन सिस्टम का चुक ले दो दू। यदि छुरे सुन का का जो चुक सुकून दो उस चीज़ पे आप टूरिज्म को प्रमोट इको टूरिज्म प्रमोट बताया और कैश क्रॉपिंग का सबसे ज्यादा फोकस हो जाएगा इसी ये हिसाब पे क्या अगर कहता हूँ इसी में कह जैसे कि दर्शन वेस्टर्न वर्ल्ड ने या यूरोपियन कंट्री ने कहता था ना सिस्टम uh, बुद्धों <yellis> जैसे कि ई सी का तो एक ना कहता हूँ कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से एग्रीकल्चर ई सी आए या दस संग टन प्लानिंग जो टाउन से रिलेटेड चीज़ें करता हूँ एजुकेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करता हूँ वैसे ई सी आए दोनों दे ए सी ना खाली एक सफिशेंट महंगा चीज़ सोच बुझा हम लगभग चलेंगे कुछ हद तक दस संगा गेंचिन देर मिसाल के तौर कुछ हद तक एजुकेशन में मतलब एक्सपर्ट होते हैं मतलब हाथ खोहा हाथ ठाकुर लगी उसको एडवाइजर हो एडवाइजर में जरूर कम से कम पाँच एडवाइज़र

प्रोफेशनल उनका सोचो चीज छान शी चाह एडवाइज़र करते हो न कहता हूँ शायद नातीजी कौंसल पर सबसे धमाक कौंसिल है और ना जैसे कि रक्सा एक सस्टेनेबल टी के क्यों में फैत वो सस्टेनेबल सिस्टम यहाँ से बन सकते हैं सिर्फ जहाँ इनकी पहल मतंग सख लुस से बारूरी इन पाए क्योंकि हर फर्द एक रिस्पांसिबिलिटी है छाना दून का सक लुस लफ्बा न कहो सक एक एडवाइज़र भी हो जिसमें जिसमें एक एक पॉलिटिशियन भी हो जिसमें एक लॉ मेकर भी हो दून सख्त दुख से कहो जो ना कहो शायद ये कॉपसर सबसे अच्छा बन सकता है टाउन प्लानिंग है जरना या दो मिन मंगाते दर आर्किटेक्ट खुरी जरना का तो फील्ड को काफी वास्ट होता हूँ mm. टाउन प्लानिंग ताना या स्ट्रक्चर डेवलप भी मिंगना डिजाइन था मैमिंग नाती करगी ना ना से क्राइसिसमच बेरोजगार जवान दर नता बेरोजगार सोने खे बस एक तो गवर्नमेंट फेलियर्स बेजन क्योंकि दिसिक्क साल संग पं साल क्राइसिसारंग से पार दर गच बस निक इंजीनियरंगे जब एम्प्लमेंट बेजिंग कौन्सल दू गई गये बेस जैसे अहमद कि एक्सपर्ट एडवाइजर जगना उनका जॉब क्रिएशन हो गया और उसके अलावा भी दुनिया भरी टीम चुक इंजीनियर जैसे कि हम आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने हमारे जो ऑफिस में स्टाफ है उनको अप्लाई कर दिया अपने काम में जैसे हम लोग जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट करते हैं जनरेशन उसी तरह से अगर काउंसिल में करना हो तो सर्वे खोलो में दस पंद्रह अच्छा। फ्री जगना लिखोना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया टाउन के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आ गया कि इरीगेशन कनाल्स किस तरह से होने चाहिए उसी में ही दस लोगों को दस लड़कों को जवान अनएम्प्लॉयड यूथ को इंगेज कर सकते हैं टाउन खुली सब पा न मतिया डिजिटल मैप मत पाया मेरे पास है एक बट तो वो नहीं मत पाया ऑफिशियल मैपन मत पाया टाउन के लिए मेरे पास अपना पर्सनली मैंने बना के रखा हुआ है बट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है अभी तक कोई डिजिटल मैप टाउन का सिर्फ गूगल से जो कॉपी करके रखते हैं वही है अदरवाइज ऑटो कैड पर जिस पर हम सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं उन पर कोई डिजिटल मैप नहीं है जिससे सर्वे पता नहीं चलता है कि कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे है जैसे कि कोई डिजिटल मैप का फ़ायदा ये होता है कि आप उस मैप को हर जगह यूज़ कर सकते हैं हाउसिंग क्या क्या रखा हुआ है लैंड यूज़ क्या क्या है मिक्स यूज़ है रेजिडेंशियल कहाँ पे है एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ कहाँ है वो दिखाने के लिए एक मैप यूज़ होता है सर्वे के टैम पर वो चीज़ है ही नहीं वो बाहर से कंसल्टेंट्स ही अभी तक ला दे रहे हैं वो भी सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं तो हमें ये कह रहा हूँ कि मैं कहने का मतलब है कि इम्प्लॉयमेंट इस तरह से जनरेट हो सकता है कि वो उस काम के लिए आप सर्वे तो जरूरत जरूरी है मेरे पास तो सिर्फ मैप है उसको कहाँ कहाँ लैंड कौन कौन सा यूज़ हो रहा है उसको रखने के लिए मैं एग्जैक्ट पता करने के लिए सर्वे की जरूरत है अब उस सर्वे में आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं आप लड़कों को हायर कर सकते हैं आप अपने मतलब सर्कल को बढ़ा सकते हैं ठीक है वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं उसी तरह से आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो कोई भी काउंसलर कोई नया प्रोजेक्ट लेके आता है किसी बिल्डिंग का तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है उसमें अलग अलग मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो मटेरियल्स लोकल सप्लाई कर सकते हैं लोकल मटेरियल्स होगा तो और भी अच्छा है तो उसमें इस तरह से लोकल्स का उसमें इन्वॉलमेंट रहता है किसी भी तरह मतलब लोकल्स का इन्वॉलमेंट होना ज़्यादा जरूरी है मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि अभी तक जितना भी हो रहा है हम लोग बाहर से आते हुए देख रहे हैं जैसा इन्होंने भी बताया कि एग्रीकल्चर में भी जहाँ सेवेंटी परसेंट बाहर से ही आता है जो भी मटेरियल्स आते हैं तो हमें अगर यहाँ से कोई फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको टाइल्स की फैक्ट्री लगानी पड़े या कोई नया ब्रिक किसी ने रिसर्च कर लिया और विदाउट uh, uh, कोई सस्टेनेबल ब्रिक यूज़ कर लिया होते हैं अभी भी हैं ऐसी ब्लॉक्स हैं जो बाहर से लाते लाए जाते हैं बट कॉस्टली पड़ता है बहुत ज़्यादा अगर यहीं पे किसी ने उसका फैक्ट्री लगा दिया तो उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया नॉट जस्ट ए सी ब्लॉक्स किसी दूसरा मटेरियल यूज़ कर लें लोकल मिट्टी से निकाल के उसको बॉटल फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक से मिला के मिक्स करके कोई ऐसा फैक्ट्री बनाए कि उसमें री भी हो जाए प्लास्टिक्स फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल कंसेप्ट आइडिया बता रहा हूँ आपको तो उसमें भी एक बंदे का कम से कम इंडस्ट्री चल जाएगा उसके अंडर वर्कर्स बहुत सारे आ जाएंगे तो एक फैक्ट्री बन जाएगा पूरा उस तरह से कोई भी एलिमेंट आप यूज़ कर लो मटेरियल यूज़ कर लो लकड़ी का बिज़नेस है या कोई भी उसमें इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है तो मेरा ये एडवाइस काउंसलर्स से फ्यूचर में जो भी बनेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से बन जाए कुछ अच्छे काबिल लोग आ जाएँ उनको ये सजेशन है कि इस लाइन में काम करें एडवाइज़र्स रखें कंसल्टेंट्स रखें एक्सपर्ट हर लाइन में और उनसे राय लें कि इस तरह से इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा हो सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए अपने एरिया में किसी भी प्रोजेक्ट पे वो फिर हर फील्ड में काम आएगा का गुलाम सर प्रोग्रामी फ्रुशिकेट धुलना कौंसिल सिर्फ काउंसलर सकता हम मैंने पहले भी बताया कि मतंगा सबसे पहले काउंसलर ही मैनीफेस्टो हमने बहुत देखा हर काउंसलर जो अपने इंस्टिट्यूशन में जो मैनीफेस्टो देता है वो ठीक है हाँ उन लेवल का है वो अपने लेवल का मैनीफेस्टो दे रहा है मेरे ये रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी से जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और भारतीय जनता पार्टी के तीन पॉलिटिकल पार्टी पार्टिक जो लोग अपने अपने जो कैंडिडेट जो है हर कन्स्टुंसी से खड़ा किया हुआ है वो लोगों को अपने पार्टी का मैंडेट दिया हुआ है टिकट दिया हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एक कॉमन मैनिफेस्टो जो एक विजन के साथ हम इसको मैनिफेस्टो नहीं बोल सकते एक विजन विजन एल एच डी सी फिफ्थ वो पेश करें कि जो आपकी पाँच साल में क्या होगा ताकि आप जो इलेक्शन से पहले जो है मैं यही बोलता हूँ कि बीस तारीख से पहले पहले भी अगर ये पेश किया जाए तो लोगों को पता चले कि हम जो है टिकट किस को दे दूँ अब सिर्फ पर्सन पे ही नहीं रहेगा वो अगर किसी पार्टी का अच्छा विजन होगा अच्छा मैनिफेस्टो होगा तो हम उस पार्टी को वोट देंगे पार्टी के सिंबल से हमें कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है किसी को भी नहीं है, है किसी का कुछ हो गया होगा वो पर्सनल अलग बात है मगर हमें आपकी विजन पे को वोट देना विजन को टिकट देना अगर जिस सेम्बल के साथ उनका अच्छा विजन होगा अच्छा मैनिफेस्टो होगा तो हम टिकट उसी को दे देंगे नल्किन? क्योंकि अभी आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड लोग बहुत है हुँ. उनको तो देखना है भाई कि हमारे लिए हमारा फ्यूचर क्या होगा हुँ. हमारा फ्यूचर जो है इसमें इस पार्टी में हमारा फ्यूचर नज़र आ रहा है इस पार्टी में हमारा फ्यूचर नज़र नहीं, नहीं आ, आ रहा है वो अब ट्रेडिशनलिज्म जो है वो ख़त्म हो चुका है कि आप जो इमोशनल से सिंबल पे हम टिकट दे, दे देंगे हाँ आपकी आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है हम ये नहीं बोलते हैं कि एक पोलिटिकल पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है आइडियोलॉजी मैंने पहले भी आपको जिक्र किया लेजिस्लेचर में आइडियोलॉजी बहुत काम आ जाता है, है। इसमें आपका एक विज़न होना चाहिए कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कितने रेट कम कर सकते हैं कि आपका क्या क्या, -क्या विज़न होगा तो हम ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है बीस तारीख से पहले पहले जो है अपना पोलिटी ये पार्टी के जो एक विजन एल एच डी सी जो है वो पेश करें ताकि लोगों को पता चले कि हम किस पार्टी को टिकट दें और किस पार्टी को एल एच डी सी चलाने का मौका दे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द जल्द जो है या अपना विजन जो है वो लोगों के सामने पेश करेंगे और एक उम्मीद करते हैं कि फिफ्थ जो एल होगा वो एक अच्छा लोगों के हाथ में होगा जो अच्छे विजन के लोग हैं उनके हाथ में होगा अच्छे विजन पार्टी जो पार्टी अच्छे विजन रखते हैं जो मेरे अभी नज़र आएंगे उनके हाथ में होगा और वो अच्छी तरह से चले हम ये उम्मीद रखते हैं थैंक यू सर योग में एल एच डी सी सुल्खानुल्ला समझू जी चुकी है कि जो भी पार्टी आगे आए वो विज़न जब फ्रेम करे तो एक सस्टेनेबल आ, विज़न फ्रेम करें जिसमें जैसे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यूज आ रहे हैं और जितने भी जो प्राइमरी सेकेंडरी जो अभी सर ने बोला जो सेक्टर्स में जो जॉब गैप या बाकी चीज़ें जो हो रहे हैं उन पे अच्छे से फोकस करके चाहे वो एक छोटे से छोटे लेवल पे जिसमें एक फार्मर क्योंकि मैं फार्मर से बहुत मतलब डायरेक्टली जो रिलेट रखता हूँ कनेक्ट कर रखता हूँ तो आ, क्या है कि जो भी विजन बनाए वो ऐसा विजन बनाए जो पूरा लद्दाख को सस्टेन सस्टेन करे और यहाँ से खाली जॉब जनरेशन नहीं यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करके बाकी जो कंट्री के जो बाकी एरियाज़ हैं उनमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहे वैसा विजन बनाए और फ्यूचर में हमें जो भी मतलब पार्टीज आए वो मजबूर हो जाए कि विजन इस तरह बनाने से ही पार्टी क़्यादत में आते हैं तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें और सस्टेनबिलिटी पर क्योंकि ये एरिया ही ऐसा जगह है जो बहुत ही फ्रजाइल है यहाँ पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये एनवायरनमेंट बिल्कुल एक रिवर्स की तरफ भी जा सकते हैं तो इन चीज़ों पर अच्छे से काम करने की जरूरत है तो जब मैनिफेस्टो जब बनाएंगे विजन जब बनाएंगे तो विजन वो पाँच साल तक की ना हो बल्कि सौ साल का विजन बने पचास साल का विजन बने या बीस साल आगे की विजन बनाए और एक अच्छा विजन बनाए ये मैं भी इसी पे ऐड करूँगा कि दी okay. फ्यूचर अनु विजन शॉर्ट ना हो इन्होंने भी सही बोला कि मतलब फ्यूचर में पचास साल दस साल सौ साल के लॉन्ग टर्म के विजन हो जो और सस्टेनेबल हो सस्टेनेबल होना ज़रूरी भी है क्योंकि हमारा जो लद्दाख माना पूरा एरिया स्थान का तो माना फ्रेजल हो है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मना क्लाइमेट चेंज ही नहीं होता हर जगह फ्लड्स आ रहे हैं तो हमारा से डेवलपमेंट चारों को छाया जैसे कि हमारे से रिलेटेड अगर आप बात करें तो हमें तो जितना हो सके कंस्ट्रक्शन के ऊपर है कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पे फ्लड्स आते हो फ्लड जोस को सेफ़ रखा जाए से से हो या और ग्लेशियर से दूर रखा जाए और मतलब हैबिटेट ऐसा हो कि मतलब जिंदगी बरिया दुख से पहुँचाया जिस तरह इन्होंने बताया कि एक अलग सस्टेनेबल एक बाउंड्री हो जिसके अंदर बाहर से टूरिस्ट भी आए और बैठे इंजॉय करके जाएं और कुछ सीख के जाए अपना हेल्थ बना के जाए इस तरह से कुछ कंसर्ट मैंने कुछ बाकी कंट्री के एरियाज़ में देखा है जहाँ पे इको विलेजेस हैं उस तरह का अगर डेवलपमेंट हो तो और भी अच्छा है लेकिन काउंसलर्स के लेवल पे अगर देखा जाए या जो ई हैं उनके लेवल पर देखा जाए तो हमारा यही है कि मतलब सस्टेनेबल कुछ डेवलपमेंट हो ये मेरा मैसेज है क्योंकि ज़्यादा जितना भी हो गए मतलब डेवलपमेंट होता है देखा देखते नहीं है वो केयर नहीं करते हैं कि इन्वयरमेंट पे क्या असर हो रहा है लोगों पे क्या असर हो रहा है टाउन पे क्या असर हो रहा है या हमारे रिवर बॉडीज़ वाटर बॉडीज़ पे क्या असर हो रहा है तो उन सब कंसर्न में जहन यक़ से छाना दरंग से पैनल डिस्कशन पे पेन फो जगश उद्दिन अहमद अली सर इंजीनियर जुगसेंग एग्रीकल्चर फील्ड याना जनाना सल्मा मोहम्मद खान सर एजुकेशनल फील्ड याना बैकग्राउंड याना यागसेंंग फयाज़ अली सर जुक्सपिनकटेक्स नं चन इंजीनियरिंग लाइन अनेतपिन पुरोग तुम तक पिन युद्ध दुन लाइन दंग गच बस फिफ्थ एल एच डी सी एलो गुर्जाना यरगे खेम मैं इन चीज यानी एक्सपर्ट समजोन न ना लिपच संग दिन ग्राउंड इका इंप्लमेंट बाय लैसपू कन्सेल लगा या देना न सोल लगा ति चाम छ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज होत गतो खै लगा यतंग खै जों मे तु सुने न दुनि क गचो लासरिक बेंदु युंग ताल ता छ जतिन खर्चौ दे आयो दरे दुनि न गचो अर देमो पॉइंट रे गयो त गतो दुनि क लासरिक डुल लगा तो युंग मे तु सुने न एलएचडीसी कन्सेल पु मनर गया लिख छ चैतिन या देना न सोल फसा मेनिफेस्टो दुल लयो चस पु लेगिन खर्च चैतिन छ पार्टी वजन पु छि दु मिशन पु छि दु दुल ता छ पु आवाम यानी गति मिमा व शरबा न छु ता छ पु लेगिन تاسو ښه پوهیږئ ما محمد موسی یو میډي ډیبیټ یا ډیسکشن سرپایز انچز دبوسو چې خدای نشه مونږه فقره سی زربان نظم سی دی چنل په تخن فیصد اردون چونر دوني سبسکرایب مبا یو 300 رنچن لداخس اکسپریس لکني میمنس الله جواین دی چنل په سبسکرایب